12th class physical education today we are going to start up our new chapter that is yoga and lifestyle our first topic is benefits of yoga which are these respiratory organs become efficient bones and joints become strong efficiency of digestive system increases Build a strong immune system. Yoga improves body strength and stamina. It increases blood circulation. It increases flexibility. It regulates breathing. Yoga is good for spine. It is good for healing. Yoga makes your skin flawless. आज कल हमारी लाइफस्टाइल बहुत हैक्टिक होती जा रही है जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों का सामना कर रहे हैं योगा के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं जैसे हाइपरटेंशन, बैक बैकपेन अस्थमा डायबिटीज़ ओबेसिटी। आज हम जानेंगे कि ओबेसिटी को हम योगा के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ओबिसिटी होता क्या है वट इज़ ओबिसिटी ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ़ फैट इनक्रीज टू एक्सट्रीम लेवल्स ओबिसिटी वह कंडीशन होती है जिसमें हमारा बॉडी फैट असमानत मात्रा में बढ़ता है ये हमारे बैड हैबिट्स के कारण भी बढ़ता है जैसे एक्सेस अमाउंट में स्वीट्स लेना जंक फूड खाना अनहेल्दी ड्रिंक्स पीना फिजिकल एक्टिविटीज़ न करना ओबिसिटी को हम कई आसनों से ठीक कर सकते हैं जिसमें हम पहला कर रहे हैं वज्रासन आज हम कर रहे हैं वज्रासन जिसे बोल्ट पोस्चर के नाम से भी जाना जाता है यह है एक मेडिटेटिव आसन है अब हम इसके प्रोसीजर देखेंगे आपको धीरे से जमीन पर बैठना है घुटनों के बल पंजे पीछे की ओर खींचे हुए एंकल जमीन को टच करते हुए कमर खिंची हुई और बिल्कुल सीधी आपका चिन ग्राउंड लेवल के पैरेलल होना चाहिए आपके दोनों हाथों की हथेलियाँ आपके घुटने पर रहेंगी धीरे धीरे सांस अंदर खींचना है और धीरे धीरे आपको सांस बाहर छोड़ना है ये आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए ज़रूर करना है खाना खाने के बाद अब हम करते हैं वज्रासन के फायदे बेनिफिट्स ऑफ वज्रासन यह हमारी थाई मसल और काफ मसल्स को मजबूती देता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है हमारी पाचन क्रिया को तेज़ करता है ये हमारी नर्व्स को स्ट्रेंथ देता है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करता है हमारे घुटनों के जोड़ों को और एंकल्स के जोड़ों को मजबूती देता है कॉन्ट्रा ऑफ वज्रासन जिसको एंकल में प्रॉब्लम हो वो इस आसन को ना करें जिसके नी में प्रॉब्लम हो वो भी इस आसन को ना करें जिसके बैक प्रॉब्लम हो या स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी इस आसन को ना करें अगर किसी की हल्की फुल्की मूवमेंट होती है तो वो किसी एक्सपर्ट के अंडर ये आसन करें